हेलो फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और फटाफट थोड़ा सा मार्केट का जायज़ा लेते हैं, क्योंकि मार्केट का जो रुख है थोड़ा सा नरम गरम चल रहा है। और BTC ने अपना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जो था 21,800, जो बहुत दिनों से मैं आप लोगों को कह रहा था ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये अगर टूट जाएगा तो प्राइस अच्छा खासा नीचे आ सकता है। लेवल टूटा, BTC ने हिट किया 21,517 के आसपास, और राइट नाउ 21,700 के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो सपोर्ट था एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, इससे ऊपर आता है तो हम देखेंगे, अदरवाइज जो स्थिति है थोड़ी सी एक डगमगाती हुई नज़र आ रही है, कमज़ोर नज़र आ रही है। और उसके साथ देखिए मार्केट का जो माहौल है, मार्केट का जो भी टोटली माहौल है, वो हम फंडामेंटली थोड़ा सा ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी टेक्निकल एनालिसिस जब वक्त आता है तब हम उसको यूज़ करते हैं, बट अभी मार्केट में जो फंड चल रहा है, जो न्यूज़ चल रहा है, जो कह सकते हैं कि फंड सही है या गलत, वी नेवर नो, बट जो बड़े बड़े लोगों की तरफ से बयान आ रहा है, ठीक है, US कांग्रेस स्पोक पर्सन जो है उनका क्या बयान आ रहा है, और सिल्वर गेट का जो एक अभी बंद हो गया जो बैंक है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, तो चारों तरफ से वापस से प्रेशर बना हुआ है। पहले बाइनेंस के ऊपर था, अभी वापस से ये सारी चीज़ें आ गई हैं, तो थोड़ा सा मामला डगमगा रहा है। हम चर्चा कर लेंगे कि एग्जैक्टली क्या करना है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे जो बातें हैं आपको बहुत सीधी सीधी बताऊंगा, अगर चीज़ें ख़राब है तो ख़राब बताऊंगा, सही है तो सही बताऊंगा, ताकि आप अपना जो नेक्स्ट ट्रेड है वो बेहतर ले सकें। ठीक है, मैं उनमें से नहीं हूँ कि हाँ यार अभी ये टॉप 5 ऑल्टकॉइंस बाय कर लो या 10 बाय कर लो, ये कर लो वो कर लो, नहीं, जब चांस आएगा तब बाय करेंगे। आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ऑल्टकॉइंस है 10-15% और नीचे आएंगे, आ रहे हैं, थोड़ा सा भी हरा हरा दिख रहा है, बट अगेन कहूँगा थोड़ा सा इंतज़ार कर लो। ठीक है, क्योंकि वी आर स्टिल 21,800 से नीचे हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके ऊपर हम जाने से पहले थोड़ा सा एक BTC का आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए, कुछ बातों को समझ लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में भी अगर आप जब ट्रेड करते हो तो आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाए कि व्हाट एग्जैक्टली दिस पैटर्न मीन्स। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने चार्ट ओपन किया है, BTC USDT का चार्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न बन रहा है, मतलब कि हाइज बनते हुए जा रहे हैं वन डे चार्ट के अंदर, और उसी तरह से नीचे के लोज भी बनते हुए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से पैटर्न चलता है, और ज़्यादातर जो हमने देखा है असेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न जो होता है, इसका नीचे की तरफ ये टूटता है। ओके, कभी कभार ऊपर की तरफ हो जाता है, बट अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा, नीचे की तरफ भी टूटता है। और हमने यहाँ पे देखिए ये देखा है कि कल के दिन एक अच्छा खासा रेड कैंडल बना है, और उसने ये जो ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न था, ठीक है, इसको तोड़ के नीचे आ गया। और अब मैंने कहा था कि 21,800 से नीचे आता है, गो फॉर अ शॉट और अ टारगेट ऑफ नियर अबाउट 21,300 के आसपास, 21,500 के आसपास ये गया था, कुछ प्रॉफिट मिला है, बट अगेन वी आर स्टिल इन प्रॉफिट। क्या करना चाहिए, अभी मामला देखिए, यहाँ पर वापस से एक लाल कैंडल बना है, और उससे पहले आपको मैंने एक और चार्ट बताया था जहाँ पे हमने लगातार 5 डॉजी कैंडल्स देखे थे। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। अगर अभी आप शॉर्ट कर रहे हैं क्या करना चाहिए, आपका नेक्स्ट पड़ाव जो होगा, ठीक है, वो मैं आपको कहूँगा 21,358 के आसपास। क्यों? क्योंकि ये जो पैटर्न है इसका बीच का जो हिस्सा है जहाँ पे एक लो बना था, ये हम लेंगे, हम एक क्विक स्कैल्पिंग की तरह से यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि जब हम मार्केट में एकदम नीचे की तरफ चल रहे हैं तो नीचे जाने के आसार, ठीक है, मार्केट की स्थिति ख़राब है तो थोड़ी सी नीचे आ रही है, बट अगेन नीचे जाने के जो आसार है बहुत कम होते हैं, ऊपर जाने के आसार बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो पहला टारगेट आपका ये होगा, ये टूटता है उसके बाद से आपका नेक्स्ट टारगेट होगा 20,483 या 20,500 के आसपास। और ओवरऑल अगर अच्छा खासा प्रेशर आता है तो ब्रॉडनिंग वेज पैटर्न का जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो टारगेट हमको वापस से देता है 18,324 के आसपास। इस हिसाब से आपको पोजीशन ओपन करनी है, शॉर्ट करना है। अब अगर वापस से हम इस पैटर्न के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको हमको हमारी शॉर्ट पोजीशन क्लोज करनी है, देन हमें देखना है कि 4 आवर्स का कैंडल वो ग्रीन बनता है, देन गो फॉर ए लॉन्ग, इस हिसाब से आपको हमको ट्रेड करना है। ठीक है, अभी क्या हो सकता है मैं आपको एक स्थिति बताता हूँ। ठीक है, ये जो प्राइस है एक बार तोड़ा है, हमेशा से मैं क्या कहता हूँ, प्राइस रिटेस्ट करेगा लेवल को, तो ये ऊपर रिटेस्ट करने यहाँ तक वापस से आ सकता है, यानी कि 21,200 के आसपास ये हिट कर सकता है। हिट करके अंदर आता तो ठीक है, अदरवाइज हिट करके वापस से फेल होता है, नहीं कर पाता है, देन गो फॉर ए शॉर्ट। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट BTC। अब हम यहाँ पर बात करते हैं सिल्वर गेट की, हम बात करते हैं ये क्या है, बहुत सारी इसके बारे में आर्टिकल्स न्यूज़ वगैरह है, हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। देखिए सिल्वर गेट जो था ये एक तरह का सिल्वर गेट कैपिटल के नाम से है, यानी कि ये एक लेंडिंग फर्म की तरह से,
इसको हम क्रिप्टो बैंक कहते हैं, यानी कि क्रिप्टो इंडस्ट्री से जितने बड़े बड़े जो कंपनीज है या जो भी चीज़ है, ठीक है, उनको ये इन्वेस्टमेंट के तौर से फंडिंग करता था। ओके, अब इसकी जो लिंकअप है वो FTX से निकाली गई है और FTX कोलैप्स कर गया है, तो भैया इसका भी दिवाला निकल गया है, तो ये भी इन शॉर्ट बंद हो चुका है, इन्होंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये एक सिल्वर गेट की कहानी है। अब इसको लेके जो मार्केट में चर्चाएं हो रही है वो थोड़ी सी हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट चर्चा क्या हो रही है। हम यहाँ पे बात करते हैं, इनकी बात करते हैं, एलिजाबेथ वैरन की, US सेनेटर हैं। इन्होंने एक ट्वीट डाला है कि एज द बैंक ऑफ चॉइस फॉर क्रिप्टो, सिल्वर गेट बैंक्स फेलर इज डिसअपॉइंटिंग बट प्रिडिक्टेबल। आई वॉन्ट ऑफ सिल्वर गेट्स रिस्की इफ नॉट इलीगल एक्टिविटी एंड आइडेंटिफाइड सीवियर ड्यू टू डिजिलेंस फेलर्स। इन शॉर्ट आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा है कि अगर बैंक क्रिप्टो से जुड़ा रहेगा, और इन्होंने कहा है कि क्रिप्टो जो है वो हाईली रिस्की एसेट है, और अगर बैंक जुड़ता है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्रिप्टो को हटाओ, बैंक जो सर्विसेज है उसको क्रिप्टो से हटाओ, इनका ये कहना है। अब इसको देख के कहीं कहीं पॉजिटिव टिप्पणी भी आ रही हैं, जैसे कि एक हम ये अगर बात करते हैं, कैथलिन लॉन्ग जो हैं ये कह सकते हैं कि क्रिप्टो को लेकर काफ़ी बुलिश रहते हैं, उन्होंने अपनी टिप्पणी वगैरह की है, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं एक और जो आर्टिकल है, ब्राउन स्टेटमेंट ऑन सिल्वरगेट लिक्विडेशन, एज द इम्पैक्ट ऑफ FTX कोलैप्स कंटिन्यूस रिपल आउटवर्ड, टुडे वी आर सीइंग व्हाट कैन हैपन व्हेन ए बैंक इज ओवर रिलायंट ऑन ए रिस्की वोलेटाइल सेक्टर लाइक क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, उन्होंने कहा क्रिप्टो करेंसी पे ये अगर आते हैं बैंक्स वगैरह तो अच्छा खासा रिस्क हो सकता है। ओके, देन हम यहाँ पे आते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे, आप इसको देख के सीजर भैया भी सामने आ गए, उन्होंने कहा कि भाई हमारा सिल्वर गेट के अंदर कुछ हिस्सा विस्सा नहीं है, या हमने उसके कुछ फंडिंग वगैरह कुछ नहीं लिया है, ठीक है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सेफ हैं। कॉइनबेस भी सामने आ गया, उन्होंने कहा भैया बहुत दुखद समाचार है कि ऐसा हो गया है, वी आर वेरी सॉरी टू सी सिल्वर गेट मेक द टफ डिसीजन टू वाइंड डाउन देयर ऑपरेशंस, दे वेर ए पार्टनर एंड कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ द क्रिप्टो इकोनॉमी। काय की ग्रोथ, सब यहाँ पे सारा पैसा छापने आते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको लेके ये नहीं कहूँगा कि ये लोग गलत कह रहे हैं, बहुत हद तक ये बातें सही भी कह रहे हैं। क्रिप्टो क्यों नहीं बूम कर पा रहा है, ठीक है, आप देखिए कि कौन कौन से एक्सचेंजेस सही तरीके से चल रहे हैं। हमारे यहाँ देख लीजिए, वापस हम अगर एक एग्जांपल लेते हैं, रिसेंटली बिटबेनेंस का लेते हैं, ठीक है, 7 मिलियन के आसपास उसको हैक कर लिया गया था, पैसे उड़ा दिए गए थे, उन्होंने कुछ किसी को कहा ही नहीं, बोला कि भैया मेंटेनेंस चल रहा है, और अब बाद में जब एक खुलासा आया, निकाला कि भाई इनका तो हैक हुआ था, तब उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है कि ऐसा ऐसा हुआ था, ठीक है। तो वो हैक हुआ है, उनको क्या जाता है भाई, वो तो मार्केट को थोड़ा सा बहुत हिला देंगे, अपने एक्सचेंज से चाबी को घुमा देंगे, आपकी हमारी लिक्विडेशन हो जाएगी, स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा, उनका 7 मिलियन वो तो ऐसे ही निकाल लेंगे एक दिन में, ठीक है। तो एक्सचेंजेस जो है इनका भी बहुत बड़ा एक खराब रोल है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ख़राब करने के लिए, ठीक। तो कह रहे हैं वो बात काफ़ी हद तक सही भी है, हमें पसंद है क्रिप्टो, हमें पसंद है क्रिप्टो, हम क्रिप्टो के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, पर इसको सही तरीके से चलाना भी बहुत ज़रूरी है, और ये जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनका फ़र्ज़ बनता है। पहले ही US पीछे पड़ा है कि भाई वो अपने डॉलर को आगे लाना चाहते हैं, क्रिप्टो सारा गेम ख़राब कर रहा है, और उसके अंदर से क्रिप्टो के खुद जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वही गेम उल्टा पुल्टा कर रहे, तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉइन बेस ने भी इस हिसाब से कहा है। दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ कि कार्डानो जो है उसका जो टोटल वैल्यू लॉक टोकन्स जो है वो भी अपने एक ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। कार्डानो थोड़ा सा अच्छा खासा है, बढ़िया कॉइन है, उसके ऊपर आप लोग थोड़ी सी नज़र बना के रखना, वैसे ओल्ड कॉइन के हम अलग से एनालिसिस करेंगे बाद। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, माउंट गॉक्स बिटकॉइन वेल फंड प्लान्स टू होडल आफ्टर चूजिंग सितंबर पेआउट, ठीक है। तो ये सब जो है ना बीच में पॉजिटिव न्यूज़ आती है, हम होडल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो आम रिटेलर्स को फंसाने वसाने वाले चीज़ें होती हैं। और एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ये न्यूज़ है, यहाँ पे आप इसको देखना, US गवर्नमेंट जो है ट्रांसफर्स ओवर 200 मिलियन इन बिटकॉइन टू कॉइनबेस ब्लॉकचेन डेटा शोज। अब US गवर्नमेंट ने कुछ रिकवरी की थी, एक बहुत पहले कुछ हैक वगैरह कुछ हुआ था, तो बिटकॉइन अच्छा खासा उन्होंने रिकवरी की थी, तो वर्थ डेट इज़ 200 मिलियन है। अब अटकलें ये लग रही है कि US गवर्नमेंट उसको सेल कर रही है, सेल कर देगी, ऐसी सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो ये एक आर्टिकल यहाँ पे दिया हुआ है।
तो ये था क्विक अपडेट ऑन BTC प्राइस एनालिसिस। उसके बाद मार्केट में क्या क्या बातें चल रही हैं वो आप लोग के लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब बात आती है कि भाई हम ऑल्ट कॉइन्स का क्या करें, ठीक है, क्योंकि जब प्राइस नीचे होता है लार टपकने लगता है कि भैया ऑल्ट कॉइन्स हम बाय करें, हम बाय करें, सब्र रखो ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपने सब्र रखा है, पेशेंस रखा है, सोच समझ के राइट एंट्री मारी है, भले प्लस माइनस ऊपर नीचे एंट्री हो गई लेकिन एक राइट एंट्री मारी है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, ठीक है। मार्केट को थोड़ा सा एक स्थिर होने दीजिए, ओके, स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री लेंगे। एंड अगेन जो मार्केट में अभी जो कंडीशंस चल रही हैं उसको देख के मैं आराम से आपको ये कह सकता हूँ कि मार्केट ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो थोड़ा बहुत और नीचे लड़खड़ाएंगे, तब हम जाके उसके अंदर एंट्री लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स, उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो जो होगी ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर होगी, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स है जिनके ऊपर नज़र रखना है जब मार्केट गिरेगा, एंट्री लेना या अभी से उनके अंदर 10-15% नीचे के आप बाय बिट डाल के रख लो, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो, आपके लाइक बहुत कम आते हैं, तो थोड़ा सा लाइक कीजिए, अंदर से मोटिवेशन मिलेगी कि भाई आप लोग के लिए कुछ लेके आए बढ़िया बढ़िया रिसर्च करके। और आप में से जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो आप लोग से मिस ना हो। तो बेल आइकन है ना घंटी, उसको दबा दीजिए, क्योंकि हमें भी थोड़ा सा एक स्टैट्स मिलता है तो मालूम पड़ता है कि बहुत सारे लोगों ने उसको क्लिक नहीं किया है, उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती है, उनसे वीडियो वगैरह मिस ना हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर लीजिए। उसके अलावा ट्विटर पे ज़रूर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, सारे जो ओरिजिनल लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे स्कैमर्स हैं, वो सेम तरह से अकाउंट वगैरह बनाते हैं, और कभी भी किसी को भी किसी भी तरह से फ़ंड देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको कोई कहता है कि भैया हमें पैसा दे दो, हम आपको एक बढ़िया सा कॉल बता देंगे, एक जेम कॉल बता देंगे, ठीक है, हम ये करा देंगे, हम पैसा डबल करा देंगे, नहीं, पैसा डबल कराना है तो खुद ही अपना पैसा डबल करो ना, ठीक है। थोड़ा सा हमेशा सोचो कि अगर आपसे कोई प्रॉफिट देने के बदले पैसा मांग रहा है तो वो 101% स्कैम है। अगर वो खुद ही करा सकता है प्रॉफिट तो भैया अपना घर बार सब बेच के क्यों नहीं लगा देता है, आपसे कहा है पैसा मांग रहा है। थोड़ा सा सोचो, लॉजिक, लालच में मत आओ, और अपनी जो हार्ड कैश है, मेहनत की पूंजी है, उसको संभाल कर रखो, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस सीखने की कोशिश कीजिए, और प्रीमियम में पैसा देने से बच जाओगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।